जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल एन ज्योग्राफी यू जी सी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और इस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में फर्स्ट पेपर का जो इन्वायरमेंट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सेक्शन भी हम लोग ऑलरेडी दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फर्स्ट पेपर और आपके कोर ज्योग्राफी दोनों के लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी एक क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेटलैंड इकोसिस्टम, यानी जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उसका पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ये क्या होती है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है वेटलैंड्स का, और साथ ही साथ इंडिया में कौन कौन से वेटलैंड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्सी लैंड, फेन या प्लांट पीटलैंड। ठीक है, यानी जो मार्स जो आपका वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमि है, वो ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो क्या है, मार्सी है, यानी दलदली क्षेत्र हो सकते हैं। फेन ये भी एक प्रकार का दलदली क्षेत्र होता है, और पीटलैंड, पीटलैंड मतलब ये भी क्या होता है, या क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, ये या तो मार्सी हो सकते हैं, फेन हो सकते हैं, पीटलैंड हो सकते हैं, ठीक है, या कोई वाटर के सोर्स हो सकते हैं, जैसे कोई रिवर भी वेटलैंड हो सकती है। ठीक है, यानी कोई वाटर का सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, वेदर नेचुरल आर आर्टिफिशियल, ये जो है प्राकृतिक भी हो सकते हैं वेटलैंड, और क्या हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, मानव के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए धान का खेत क्या है, एक जो है मैन मेड क्या है, वेटलैंड है। ठीक है, ये जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, ये सारी विशेषताएं वेटलैंड की, इसमें से कोई एक अगर विशेषता है तो वेटलैंड उसको घोषित किया जा सकता है। क्या हो सकते हैं, मार्शी लैंड हो सकते हैं, फेन हो सकते हैं, पीटलैंड हो सकते हैं, या वाटर कोई वाटर बॉडी हो सकता है। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, ये परमानेंट हो सकते हैं और टेम्पोररी हो सकते हैं। यानी जो वेटलैंड कहीं पर है तो परमानेंट, यानी वो जो है हमेशा जो है ऐसा कोई एरिया हो सकता है कि वो हमेशा जो है आर्द्र रहता हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट वेटलैंड है, या ये टेम्पोररी हो सकता है, यानी वो सीजन बेस्ड हो, उसके बाद वो खत्म हो जाए। जैसे धान का खेत, ठीक है, यानी जहां पर पैडी क्रॉप्स लगा होता है, वो क्या है, वो एक सीजनल वेटलैंड्स का क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, विद वाटर दैट इज स्टैटिक आर फ्लोटिंग, इसमें जो जल भरा होता है वो फ्लो करता हो सकता है। ठीक है, या स्टैटिक हो सकता है, यानी स्थिर जल वाला भाग भी वेटलैंड हो सकता है। ये फ्रेश वाटर हो सकता है जहां पर ताजा जल पाया जाता हो, ये ब्रैकिश वाटर हो सकता है जहां पर जो है समुद्र का जल तट से टकराने के बाद, ठीक है, जो जल जो तट पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ये साल्टी भी हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर। ठीक है, यानी इसमें जो मरीन वाटर होता है, जो समुद्री जल होता है, उसका भी एरिया शामिल हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्साइड 6 मीटर। यानी इसमें ये कह रहा है कि इन सारे एरियाज के बाद ये मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है, यानी जो कोई जो है समुद्री क्षेत्र है उसको भी क्या घोषित किया जा सकता है, वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, लेकिन वहां पर क्या आता हो, लो टाइड आता हो, और हाइट 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कोई तट है, तट के किनारे वाला एरिया भी वेटलैंड घोषित हो सकता है जहां पर टाइड्स आता हो, लेकिन इस टाइड्स की जो हाइट होती है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे एरियाज भी क्या है, वेटलैंड घोषित किए जा सकते हैं। यानी इतने एरियाज अगर कहीं पर विशेषताएं किसी भी एरिया में पाई जाती हैं तो उसको वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। वो मार्शी लैंड हो सकता है, वो पीट हो सकता है, वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है, टेम्पोररी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, उसमें वाटर रनिंग भी कर सकता है और वाटर स्थिर भी रह सकता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो इतनी विशेषताओं में से कोई विशेषता धारण करता हो तो उस एरिया को वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। अब ये वेटलैंड का कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, तो वेटलैंड का कंसेप्ट जो आया ये 1971 में जो आपका ईरान सिटी है, ठीक है, क्या है, ईरान शहर है, सॉरी जो ईरान देश है, ईरान के साउथ में, ठीक है, कहाँ पर, ये ईरान के साउथ में यहाँ पर है कैस्पियन सागर, क्या है, कैस्पियन सागर, आप लोग एटलस में देखिएगा ईरान, ठीक है, तो ईरान का जो साउथ एरिया है वहां पर क्या है, वहां पर कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो इसी तट पर क्या है, इसी तट पर एक शहर है रामसर, क्या है, रामसर, इसी के तट पर, यानी साउथ ईरान में एक शहर है कैस्पियन सागर के तट पर,
क्या नाम है उसका? रामसर नाम है। इसी रामसर में 1971 में क्या हुआ था, विभिन्न देशों के लोगों ने एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर में, जो कि ईरान का शहर है, वहीं पर विभिन्न देशों के लोगों ने क्या किया था, जो पदाधिकारी होते हैं, जो उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क करते हैं, उन्होंने आपस में एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था, उसी मीटिंग में ऐसे एरियाज को जो ये विशेषता धारण करते हो उसको वेटलैंड घोषित किया गया था, क्योंकि वेटलैंड जो होते हैं वो इकोसिस्टम के लिए, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एरिया है, कोई वेटलैंड एरिया है, वो वहाँ के वाटर को क्या करता है, कंजर्व करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है, उस एरिया का वाटर लेवल अच्छे बनाए रखता है, उस एरिया में जो भी अगर उस वाटर में कुछ कंटामिनेंट आ गए, यानी जो भी प्रदूषक तत्व आ गए हैं, उसको वो सोख लेता है और वाटर को स्वच्छ बनाए रखता है, उस एरिया का इकोसिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा, बायोडाइवर्सिटी वहाँ का ज्यादा रहेगी। तो ये क्या हो रहे थे, ये जो वेटलैंड हो रहे थे, ये काफी जो है मानव के इंक्रोचमेंट के कारण खत्म हो रहे थे। तो इसी के बचाव के लिए, वेटलैंड के जो है महत्व को बताने के लिए, आपस में लोगों ने मीटिंग किया 2 फरवरी 1971 को रामसर में। ठीक है, ये ईरान का शहर है, इसीलिए जो ठीक है, और यहीं पर क्या किया गया, यहीं पर वेटलैंड की सुरक्षा की बात की गई, और एक क्या बनाया गया, एक जो है सभी देशों के बीच में समझौता हुआ, जिसका नाम दिया गया रामसर समझौता। ठीक है, उसी समझौते से वेटलैंड का कंसेप्ट आया था। और जो यहाँ के जो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, वो 3 सालों पर क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी रामसर में शामिल जितने भी देश हैं वो 3 साल पर अपनी मीटिंग करते हैं, और उसमें समीक्षा करते हैं कि क्या हम लोगों ने जो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था, क्या उस पर हम लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी काम जिसको सौंपा गया था वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉप बोलते हैं। ठीक है, जो पहली मीटिंग हुई थी इन लोगों की वो 1997 में हुई थी। ठीक है, और इसी 1997 से क्या घोषित कर दिया गया, एक दिवस घोषित कर दिया गया, किस डेट को, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी 2 फरवरी 1997 में जो इसकी मीटिंग हुई, ये साथ पहली नहीं, इस मीटिंग ये कौन सी मीटिंग थी उसका नंबर जो है ध्यान हमको जो है हम रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी मीटिंग हुई थी, लेकिन जो भी मीटिंग हुई 1997 में 2 फरवरी को, इसी 2 फरवरी को क्या घोषित कर दिया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो हर साल इसकी थीम होती है, जैसे 2022 की थीम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो हर साल जो है 2 फरवरी को वेटलैंड जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और इस दिन वेटलैंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है, लोगों को इससे अवेयरनेस फैलाई जाती है कि वेटलैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आपका कोई तालाब है वो भी वेटलैंड घोषित हो सकता है, लेकिन जो भी मानदंड बताए गए हैं वो क्या करना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और इसी जो इसकी जो मीटिंग होती है 3 साल में, जिसको कॉप बोलते हैं, इसी मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि किसको वेटलैंड घोषित करना है, किसको वेटलैंड घोषित नहीं करना है। इतनी पॉइंट्स आप लोग अच्छे से जानते रहिए। ठीक है, होंगे कि वेटलैंड कौन से एरिया होते हैं। उसके बाद जो वेटलैंड होते हैं, इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैविक विविधता बहुत ज्यादा होती है, मार्केट में क्या होता है, हर सामान मिलता है, वैसे इनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इनका नाम, उपनाम जो दिया गया, इनको किडनी ऑफ लैंडस्केप, यानी भूदृश्य की किडनी कहते हैं, यानी जिस एरिया में पाए जाते हैं किडनी का काम करते हैं। किडनी क्या करता है कि आपके जो है वाटर को क्या करता है, जो मिनरल्स होते हैं उसको अलग कर देता है, और जो मल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो गंदगी होती है, तो वैसे ये भी करते हैं कि जितने भी जो गंदे जो इसमें प्रदूषित तत्व होते हैं उसको अलग कर देता है, और वहाँ के इकोसिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है, ये है इसका काम। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड घोषित हैं वो कहाँ के हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के हैं। यूनाइटेड किंगडम में लगभग इस समय, ये 2016 का डेटा है, प्रेजेंट टाइम में लगभग मोर देन जो है 180 प्लस क्या है वेटलैंड है आपके यूनाइटेड किंगडम में। भारत की बात किया जाए तो भारत में 15 अगस्त 2022 तक 75 वेटलैंड्स हो चुके थे। ठीक है, कितने वेटलैंड्स हो चुके हैं, 75 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनकी संख्या को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो
ये भारत में कितना है, लगभग 75 आद्र भूमियां हैं। अब ये जो आद्र भूमियां हैं, वेटलैंड हैं, इसका नाम आपको याद रखना है कि किस स्टेट में कौन सी आद्र भूमि है। यहीं से आपसे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में क्या है, जो ज्योग्राफी वाला है ये जो फर्स्ट पेपर कॉमन है वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वेटलैंड्स भारत में पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, यानी 75 है, 75 आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन इसमें जो मोर देन है वो ध्यान में रखना है। हम बताते जाते हैं और आपको क्या करना है कि पेन लेकर इसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, पहला बात किया जाए लद्दाख, तो लद्दाख में कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी, ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है, ठीक है, एक पोंग डैम वेटलैंड है। क्या नाम है इसका, पोंग डैम। ठीक है, ये जो पोंग डैम है, ठीक है, लद्दाख, एक सेकंड, ये आपका जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से वेटलैंड है, तो पहला है आपका सुरिंसर मानसर लेक। ठीक है, सुरिंसर मानसर लेक कहाँ पर है, सुरिंसर मानसर लेक अगर आपका वेटलैंड पूछता है तो ये कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दूसरा क्या है, होकेरा वेटलैंड, होकेरा भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तीसरा क्या है, घोषित है रामसर साइट में, सब शामिल है। ठीक है, जो भी वेटलैंड जो है घोषित हो जाते हैं, जो 3 साल पे बैठक होती है उसको रामसर साइट बोलते हैं, ये सब रामसर स्थल में शामिल है। तीसरा क्या है, बुलर लेक। ठीक है, ये आपको क्या करना है, एक है आपका सालबाग वेटलैंड, ये चारों वेटलैंड आपको याद रखने हैं, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सुरिंसर मानसर की बात किया जाए, होकेरा की बात किया जाए, बुलर की बात किया जाए, या सालबुक जो है सालबुक वेटलैंड की बात की जाए, ये चारों वेटलैंड कहाँ पर हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा कहाँ पे बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में दो वेटलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तसो मरोरी और दूसरा है तसोकर। ठीक है, तसो मरोरी और तसोकर कहाँ पर है, आपका लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख के बाद हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन से वेटलैंड है, पहला आपका जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है आपको, पोंग डैम। क्या याद रखना है, पोंग डैम। दूसरा चंद्रा वेटलैंड है। ठीक है, और तीसरा रेणुका लेक। रेणुका लेक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेणुका लेक कहाँ पर है या रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में आपको याद रखना है ब्यास। ठीक है, ब्यास एक वेटलैंड है, दूसरा याद रखना है आपको पंजाब का वेटलैंड है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हरीक वेटलैंड। ठीक है, हरीक एक वहां पर झील है और उसको क्या घोषित किया गया है, आपका वेटलैंड घोषित किया गया है। चौथा याद रखना है कांजिल लेक। कांजिल लेक कहां पर है, पंजाब में। ये चार वेटलैंड आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीके? अब आइए हरियाणा में। हरियाणा में याद रखना है आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, एक वेटलैंड है, ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, और अभी रिसेंट में घोषित किया गया है भिंडवास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट वाला है, तो भिंडवास कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में दो याद रखना है, केवला देव नेशनल पार्क और सांभर लेक। ये दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की लिस्टिंग आपको करनी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं गुजरात में। गुजरात में आपको याद रखना है थोल लेक। थोल लेक अभी रिसेंट में घोषित किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोल लेक के बाद आपको याद रखना है बधाउना वेटलैंड। बधाउना वेटलैंड भी अभी रिसेंट में घोषित किया गया है, इसलिए याद रखना है। तीसरा क्या है, खजीदा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जितने भी बर्ड सेंचुरी हैं वो तो आपको याद रखने हैं। खजीदा बर्ड सेंचुरी अभी हाल ही में घोषित किया गया है, इसलिए तीनों वेटलैंड हाल ही में घोषित करने के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक है आपका नर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना, यानी ये चारों वेटलैंड कहाँ पर हैं, आपके गुजरात में है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा है, भोज वेटलैंड। ठीक है, भोज वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग केवल एक याद रखिए, भोज वेटलैंड। अब इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या याद रखना है आपको, लोनार और ठीक है ठाणे, ये दोनों आप लोनार वेटलैंड और ठाणे वेटलैंड कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करेंगे आपका गोवा में, तो गोवा में एक याद रखना है नंदा लेक। ठीक है, क्या याद रखना है, नंदा लेक। इसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका में क्या याद रखना है, रंगना रंगा थिट्टू। ठीक है,
रंगनाथ मिट्टू एक पक्षी अभयारण्य है, इसको क्या घोषित किया गया है, वेटलैंड किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पक्षी अभयारण्य की बात किया जाए चाहे वेटलैंड की बात किया जाए। ठीक है, अब आइए केरला में चलते हैं। केरला में कौन सा है, सस्थामकोट्टा, क्या है, सस्थामकोट्टा और अस्थामुड्डी दो, और तीसरा आपका है वेम्बनाद, ये तीनों बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सस्थामकोट्टा की बात किया जाए या बात किया जाए वेम्बनाद की या बात किया जाए अस्थमुड्डी की, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक याद रखना है आपको गल्फ ऑफ मन्नार, क्या याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको पिछोरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्या है, पिचोरम मैंग्रोव फॉरेस्ट वेटलैंड, ये दोनों आपको कहां पर याद रखना है, ये दोनों याद रखना है आपको तमिलनाडु में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल्लेरू लेक, कई बार एग्जाम में फर्स्ट पेपर में और आपके जो है कोर ज्योग्राफी में पूछा गया है कि कोल्लेरू लेक कहाँ पर है, लेक के रूप में भी पूछा जा सकता है और आपका वेटलैंड इकोसिस्टम के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में क्या याद रखना है आपको, चिल्का लेक, क्या याद रखना है, चिल्का लेक, ठीक है, और एक अंशुपा लेक, ठीक है, चिल्का लेक और अंशुपा लेक, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो है भीतर कड़का मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, भीतर कड़का मैंग्रोव कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में, याद रखना है हीरक कुंड रिजर्वायर, ये सारे क्या है, वेटलैंड है आपको उड़ीसा में, इतने पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको क्या याद रखना है, सुंदरबन को याद रखना है, किसको याद रखना है, सुंदरबन को। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग चलते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में एक है जो है कनवर लेक, ठीक है, इसको हम कनवर लेक कहते हैं या कंवर लेक भी बोल सकते हो या कांवर लेक बोलते हैं इसको कुछ लोग, तो कांवर लेक याद रखना है, ये अभी रिसेंट में घोषित हुआ है इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है आपका, ठीक है, उत्तराखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी यूपी में। ठीक है, यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी में एक है समन बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये भी वेटलैंड है। दूसरा है सूर सरोवर, ठीक है, दूसरा क्या है, सूर सरोवर। तीसरा क्या है, सरसाई नावर झील, क्या है, सरसाई नावर झील, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण यानी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। उसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी सब याद रखनी है आपको, बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है, अपर गंगा, ठीक है, उसके बाद है आपका हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर जो यूपी की बर्ड सेंचुरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बर्ड सेंचुरी यहाँ से उठा लेगा, दो गुजरात से, दो कहीं और से, और आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कौन सा यूपी का है कौन सा नहीं है। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है इसी में है, सबसे ज्यादा 10 है यहाँ पर, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं और 10 के 10 ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं असम में। असम में आपको एक याद रखना है दीपोर बील लेक, क्या नाम रखना है, दीपोर बील लेक। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी आपको चीजें बताई जा रही है यहाँ पर लोगों का ध्यान कम जाता है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर में है आपका लोकटक लेक, क्या है, लोकटक लेक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के बाद हम आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक झील है रुद्र सागर लेक, ये क्या है, एक वेटलैंड इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक आपका है मिजोरम में जो कि अभी रिसेंट में घोषित किया गया है पाला वेटलैंड, क्या है, पाला वेटलैंड। तो ये कुल मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड थे आपको हमने जो है काउंट करा दिया है किस स्टेट में है। अब आपका काम है कि इसको अच्छे से 3-4 बार नोट करके याद करना, जितना नॉर्थ ईस्ट के और यूपी के बताए गए हैं और जितनी बर्ड सेंचुरी बताई गई हैं इतना वेटलैंड तो आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जो है उसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, जो है क्या है कि वहाँ के नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अनुसार, इसलिए आप लोग उसको स्किप कर देते थे हैं, तो उसको स्किप नहीं करना है बल्कि अच्छे से उसको क्या करना है, रेडी करना है। ठीक है, जितने भी वेटलैंड आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट पेपर में और आपके कोर ज्योग्राफी में ये पूछा जा सकता है। काफी बर्निंग टॉपिक है, आप जानते हैं कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद आजादी के हमारे जो देश में 75 वेटलैंड घोषित हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब हम क्या बात करते हैं कि वेटलैंड में एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसको आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आपसे कोर ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। जो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली जो रामसर साइट है, जो रामसर सम्मेलन है, जो उसी का एक पार्ट है, उसमें एक डिसीजन ये लिया गया था कि कोई ऐसा वेटलैंड, ठीक है, जिसको हमने घोषित कर दिया कि ये वेटलैंड है, लेकिन बाद में वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, अत्यधिक वो वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ ह्यूमन की एक्टिविटी का, और उसका एरिया काफ़ी श्रिंक कर गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है, बहुत छोटा हो गया, या मानव के द्वारा उसमें बहुत क्या कर दिए गए, प्रदूषण फैला दिए गए, जिसके कारण वो वेटलैंड क्या है, वेटलैंड की जो कंडीशन है काफ़ी क्या हो गई है, बैड हो गई है, खराब हो गई है। तो उस जो है वेटलैंड को हम किस में रख देंगे, उसको हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में रख देंगे, यानी उस पर हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे जो है वेटलैंड जिनकी जो है मानव के एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण उसकी जो स्थिति है काफी बैड हो गई है, तो उस वेटलैंड को किस में रख दिया जाएगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा, उसी को बोला जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, बस ये और कुछ नहीं है। अभी तक भारत जो है, ठीक है, और ये कब रखा जाएगा, यही जब कॉप की मीटिंग होगी, यानी तीन साल पे जो रामसर साइट पे जितने लोग हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, वो लोग तीन साल में आपस में मीटिंग करते हैं, उसको कॉप बोलते हैं, और जब भी कॉप में मीटिंग होगी उसी में ये घोषित किया जाएगा कि इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाए कि ना रखा जाए। अभी तक भारत की तीन ऐसे वेटलैंड थे जिनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, ठीक है, जिसमें से बाद में एक की स्थिति सुधर गई तो उसको बाहर कर दिया गया। किसको रखा गया, किसको बाहर किया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 90% चांस है कि इस बार ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी बर्निंग इशू है, ठीक है। पहला रखा गया था जो आपका था केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को कब रखा गया था, 1990 में रखा गया था। कब रखा गया था, 1990 में। ये भारत का पहला वेटलैंड है जिसको कहां पर रखा गया था, जिसको रखा गया था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। दूसरा क्या है, लोकटक लेक, इसको 1993 में रखा गया था। कब, 1993 में रखा गया, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। और केवलादेव कहां पर है, राजस्थान में है। तीसरा रखा गया था चिल्का लेक को 1993 में, यानी चिल्का लेक कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन चिल्का लेक की स्थिति जब सुधर गई तो इसको हमने 2002 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी स्थिति अब जो पहले खराब हो गई थी वो क्या हो गई, सुधर गई। तो जब ये बैठक हुई तो इसमें इसको क्या कर दिया गया, 2002 में बाहर कर दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपको तैयार रहना है, काफी बर्निंग टॉपिक है वो। इस बार मोर देन 90% चांस है कि एक क्वेश्चन आपसे फर्स्ट पेपर में और कोर जियोग्राफी में भी यहां से पूछा जा सकता है, चाहे वो वेटलैंड को लेकर पूछे या मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इंडिया के अभी शामिल हैं, कौन शामिल था, उसमें ऑप्शन दे देगा कि कौन से शामिल हैं, चिल्का लेक भी दे देगा, चिल्का लेक तो शामिल नहीं है क्योंकि आउट हो गया, बाहर कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको वेटलैंड के बारे में याद रखना है। अगर जितना भी पॉइंट आपको बताया गया है आप याद रखते हैं, इसका मीटिंग कहाँ हुई, कॉप क्या है, ठीक है, कब आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये भी फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द ही 2 फरवरी आने वाला है, ठीक है, कल 2 फरवरी है, कल ही क्या है, वर्ल्ड जो है वेटलैंड डे है, 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, कल की थीम क्या होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2023 वाला भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका पेपर जो स्टार्ट है वो 21 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग हमेशा इसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।